हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक रिपेयर। यहाँ पर एक जुकी 8700 मॉडल का स्विंग मशीन है। इसको पावर देके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो पेडल दबाने पे ₹802 आ रहा है। तो चलिए मोटर खोल के देखते हैं 02 किस चीज़ के लिए आ रहा है। कंट्रोलर एंड मोटर को मैंने मशीन से खोल लिया और एक बार पावर देके देखते क्या दिखा रहा है, क्योंकि कभी कभी मशीन में मोटर लगे रहने के वक्त 02 दिखाता है हाई करंट के वजह से। तो चलिए देखते पावर देके। पावर दे दिए, अभी देखेंगे क्या दिखाता है। स्विच ऑन कर दिया हमने, पेडल दबा कर देखते। पेडल दबाने पे 02 आ रहा है, तो सेम ही एरर दिखा रहा है। तो चलिए पीसीबी को ओपन कर लेते हैं। ये वाला कंट्रोलर चुकी का ओरिजिनल कंट्रोलर नहीं होता है, ये एक यूनिवर्सल टाइप कंट्रोलर होता है। इसमें ये खराबी ज़्यादा आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सीपीयू ख़राब हो जाता है इसका और ये रिपेयर ही नहीं होता। तो एक बार इस मोटर के पुली को घुमाएंगे हाथ से, अगर जम थोड़ा अटक अटक के घूमता है पुली, इसका मतलब इसके अंदर जो IGBT होता है वो ख़राब हो चुका है, एक या दो IGBT ख़राब हो चुका है। तो इससे इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं IGBT खराब हुआ है या नहीं। तो चलिए PCB को ओपन कर लेते हैं। तो PCB को ओपन कर लिया हूँ मैंने। अभी पहले IGBT को टेस्ट करेंगे, क्या IGBT शॉर्ट हुआ या नहीं। IGBT का जो एक नंबर पिन होता है वो गेट होता है, दो नंबर पिन कलेक्टर, तीन नंबर पिन इमिटर होता है। तो हम लोग दो और तीन नंबर पिन में कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो देखेंगे कौन सा IGBT खराब हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहले वाला IGBT है, इसका ये दो नंबर पिन और तीन नंबर पिन में पूरा कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इसका मतलब ये वाला IGBT शॉर्ट हो गया। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, PCB से IGBT को निकालते हैं। तो ये जो 02 एरर आता है इस PCB में, ये ज़्यादातर हाई करंट की वजह से आता है, जो कि IGBT शॉर्ट होने पर या नहीं तो मोटर बंद हो जाने पर, जाम हो जाने पर दिखाता है। कभी कभी ये पर जो OPAM IC लगा हुआ रहता है वो भी ख़राब होने पर भी 02 एरर आता है। तो ये 02 एरर रिपेयर करने के लिए पहले हम लोगों को IGBT चेक करना पड़ेगा। अगर IGBT सही है तब जाके बाकी सब चीज़ चेक करना पड़ेगा। तो IGBT ओपन कर लिया है मैंने, अभी और एक बार टेस्ट कर लेंगे IGBT को। तो देखिए IGBT
निकालने के बाद भी पूरा ही शॉर्ट दिखा रहा है, इसका मतलब ये वाला IGBT डैमेज हो चुका है। इसको चेंज करके हम लोग नया लगा देंगे। IGBT जब भी चेंज करेंगे तो इसका गेट में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है वो चेक करना पड़ेगा हम लोग को। जब भी आप IGBT चेंज करेंगे तो ये रेजिस्टेंस ज़रूर चेक करें। यहाँ पर एक 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है जो भी सही है, और एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है वो भी सही है। तो रेजिस्टेंस सही है। अब हम इस जगह को साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद नया IGBT लगाएंगे। अगर सिर्फ एक IGBT शॉर्ट हो गया है तो ज़्यादा कुछ चेक करने का ज़रूरत नहीं होता है, मगर दो IGBT शॉर्ट हो जाने पर आपको सब कुछ चेक करना पड़ता है ठीक से। ड्राइवर IC का वोल्टेज भी चेक करना पड़ता है, रेजिस्टेंस भी चेक करना पड़ता है, सब कुछ सही से चेक करना पड़ता है। मगर क्योंकि एक IGBT शॉर्ट हुआ है तो ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 IGBT चेंज करने से ही यह रिपेयर हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक 15N60 वाला IGBT यूज़ किया है। और कभी भी MOSFET मत यूज़ कीजिएगा, IGBT यूज़ कीजिएगा। MOSFET से भी चलता है मगर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। MOSFET कभी मत यूज़ कीजिएगा, जब भी यूज़ कीजिएगा IGBT यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर मैंने XNF15T60 वाला IGBT यूज़ किया है। और IGBT को पहले बोर्ड में सेट कर लेंगे, सोल्डरिंग नहीं करेंगे। पहले IGBT को बोर्ड में सेट करेंगे, फिर PCB बोर्ड को फिक्स्ड कर देंगे हीट सिंक के साथ, उसके बाद हम सोल्डर कर देंगे IGBT को। इससे क्या होगा कि IGBT अच्छे से हीट सिंक के साथ लग जाएगा। अगर पहले आप लोग सोल्डर करेंगे IGBT को तो वो IGBT ठीक से हीट सिंक के साथ नहीं लगेगा। तो चलिए IGBT लगा दिया है मैंने। अभी PCB को फिर से कंट्रोल पैनल के अंदर सेट कर देते हैं और देखते हैं मोटर चलता है या नहीं। मोटर पैटल को सेट कर लेते हैं। ये जो कंट्रोलर है यूनिवर्सल टाइप कंट्रोलर होता है, ये जुकी का ओरिजिनल कंट्रोलर नहीं है, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम भी ज़्यादा आता है। कभी कभी इसका CPU भी ख़राब हो जाता है, ये रिपेयर नहीं होता। तो देखिए पैटर्न दबा के देखते हैं। देखिए मोटर चल रहा है तो ये PCB ठीक हो गया। अब इसको मशीन में सेट कर देंगे दोबारा से। यहाँ पर सेट कर लिया है हमने, देखिए अब ये चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है मशीन। थैंक यू।